हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपको एक फ्रेज सिखाने जा रहा हूँ। इस फ्रेज को बोलते हैं ग्रिफ स्ट्रिक। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने चश्मा क्यों लगाया, एक्चुअली मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई हैं तो मैंने चश्मा यूज़ किया है। एनीवेज, तो ग्रिफ स्ट्रिकन, ये पूरा मिलाकर के जो फ्रेज है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो अगर ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि वो व्यक्ति ग्रिफ स्ट्रिकन है। ग्रिफ स्ट्रिकन का मतलब होता है कि यू आर वेरी सैड, यू आर अफेक्टेड बाय एनी ग्रीफ और सॉर, किसी दुख से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ आपके ऊपर अगर टूट गया है, तो आप अंग्रेजी में अपने लिए या उस व्यक्ति के लिए ग्रिफ स्ट्रिकन कह सकते हैं। तो जब आप इसे स्टेट ऑफ बीइंग में बोलेंगे तो सब्जेक्ट होगा, उसके बगल में आप एम, इज, आर, पास्ट टेंस है तो वॉज, वर लगाएंगे, और इसके बाद आप ग्रिफ स्ट्रिकन को रखेंगे। अभी एग्जांपल मुझ पे सूट करता है, बिकॉज आई एम ग्रिफ स्ट्रिकन दिस डेज, बिकॉज माय फादर इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सो आई एम ग्रिफ स्ट्रिकन। उसी तरीके से आप किसी के बारे में कह सकते हैं, यू नो दैट पर्सन इज ग्रिफ स्ट्रिकन। इज अ नहीं लगा सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, आर्टिकल तब लेता है जब बगल में कोई नाउन भी हो। सो यू नो दैट पर्सन इज ग्रिफ स्ट्रिकन। This particular situation has made him, ये भी कह सकते हैं, this particular situation has made him grief stricken, you know, let's say, अगर मैं बोलूँ कि his family members, you know, went away somewhere and that situation left him grief stricken। किसी भी तरीके से आप जब grief stricken बोलेंगे तो इससे यही साबित होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो दुख से ग्रसित है, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया है। तो आप अपने हिसाब से इसका एग्जांपल मतलब आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, रिलेटिव हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति है वो ग्रिफ स्ट्रिकन है। क्लियर है? तो कोई भी साइंटिस्ट देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू नो कुछ दिन पहले मैं ग्रिफ स्ट्रिकन था, तो आई वॉज ग्रिफ स्ट्रिकन फ्यू डेज अगो, ऐसे भी कह सकते हैं। वो कई सालों से ग्रिफ स्ट्रिकन है, तो ही हैज़ बिन, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ही हैज़ बिन ग्रिफ स्ट्रिकन फॉर एजेस, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी ईयर्स, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फ्रेज था ग्रिफ स्ट्रिकन, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। अभी मैं बाहर हूँ, आप सबको पता ही मैं कहाँ हूँ, अपने होम टाउन में हूँ। जैसे मुंबई जाऊँगा तो फिर सही से वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे गाइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। आपकी